हेलो फ्रेंड्स, बीबी गार्डन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करूंगी आपसे इस वीडियो में कुछ ऐसे प्लांट जिनकी कटिंग आप इस समय लगा सकते हैं और इनकी कटिंग बहुत ही आसानी से इस समय लग भी जाती है। खास बात यह है कि इनको कोई बहुत बड़े गमलों की, बहुत ज़्यादा मिट्टी की और बहुत ज़्यादा जगह की जरूरत नहीं होती है। ये छोटे छोटे गमलों में ईजिली कटिंग से लग जाते हैं और कई सालों तक छोटे गमलों में चलते भी हैं। तो आइए देखते हैं कौन से ऐसे प्लांट हैं जिनकी कटिंग आप इसमें लगा सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा जगह भी नहीं है तो आप इस तरीके से जो छोटे छोटे गमले होते हैं उनमें इनको लगा के अपने गार्डन में सजा सकते हैं। सबसे पहला प्लांट है, देखिए, वेरिएटर रियो। ये मेरा प्लांट देखिए 6 इंच के गमले में लगा हुआ है और मैंने एक प्लांट इसमें लगाया था, तो अभी देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यही इसकी खासियत होती है, देखने में ये बहुत खूबसूरत होता है। और देखिए, मैंने एक प्लांट ले लिया, मेरे पास इसकी एक हैंगिंग बास्केट भी भरी हुई है। ये देखिए, इसमें थोड़ी सी रूट्स भी हैं, अगर रूट्स नहीं भी हो तो भी इसकी कटिंग जो है लग जाती है और बहुत ही आसानी से इसका नया प्लांट बन जाता है। तो इसको लगाने के लिए देखिए, इस तरीके की वेल ड्रेन और सॉफ्ट सॉइल होनी चाहिए। चिकनी मिट्टी में आपने इसको नहीं लगाना है। और देखिए, इस तरीके से आपने होल बना लेना है और होल में इसकी जो जड़ें हैं, जो जो नीचे वाला पार्ट है, इस तरीके से इसको डाल के थोड़ा सा दबा देना है और ऊपर से थोड़ा सा पानी देके इसको हफ्ते 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए सेमी शेड एरिया में रखना है जहाँ इसको ज़्यादा धूप ना लगे। और फिर जब इसकी ग्रोथ शुरू हो जाए फिर आप इसको धूप में रख सकते हैं। इजीली प्लांट तैयार हो जाता है कटिंग से। दूसरा प्लांट है, देखिए, ये है जो ग्रीन पत्तों वाला, छोटे छोटे पत्तों वाला डेवल्स बैकबोन होता है। ये भी कटिंग से बहुत ही ईजिली लग जाता है। और देखिए, इस तरीके से आपने इसकी कटिंग लेनी है, कोई भी छोटी बड़ी जो भी आपको मिले। नीचे के पत्ते रिमूव करके इस तरीके से सॉफ्ट सॉइल में, वेल ड्रेन मिट्टी में आपने इसको लगाना है। देखिए, मैंने अपने गमलों को पहले ही पानी दे लिया है, मिट्टी को मॉस्ट कर लिया है क्योंकि इसको ज़्यादा पानी पसंद नहीं होता है। तो अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन हो तो आप लगा सकते हैं, नहीं हो तो आप दालचीनी का पाउडर या जो एलोवेरा का जल है वो लगा के इस तरीके से कटिंग आप लगा के इसको ओवर वाटर नहीं करना है। अगर आपके गमले की मिट्टी बिल्कुल ड्राई है तो थोड़ा सा पानी दे के इसको सेमी शेड एरिया, अच्छी ब्राइट लाइट में रखना है, धूप में नहीं रखना है। इसकी कटिंग लगा के देखिए, मेरे गमले की मिट्टी मॉइस्ट है, मैं इसको पानी नहीं दूंगी। नेक्स्ट प्लांट है, देखिए, ये हावर्थिया। ये भी बहुत ही ईजिली कटिंग से लग जाता है और इसको भी कोई बहुत बड़े गमले की जरूरत नहीं रहती है, ये छोटे छोटे कप में भी चल जाता है। मेरे पास ये वाला गमला खाली था तो देखिए मैंने इसके लिए भी वेल ड्रेन सॉइल ही ली है। और देखिए, इस तरीके से मैं इसको मेन प्लांट से अलग करके लाई थी और यहाँ मैंने इसको लगा दिया। मिट्टी बहुत सूखी हुई है इसलिए मैं इसको थोड़ा थोड़ा पानी दे दूंगी और फिर इसको रख दूंगी ऐसी जगह जहाँ इसको दिन भर अच्छी ब्राइट लाइट मिले। और जब ये थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा फिर इसको मैं 1-2 घंटे की धूप में भी रखा करूँगी, तो फिर ये अच्छे से चलते हैं। नेक्स्ट प्लांट है, देखिए, ये भी छोटे छोटे गमलों में बहुत ही अच्छे से चलता है। और देखिए, ये मैंने गमला कैसे बनाया है और कैसे इसकी कटिंग लगाई है। तो देखिए, ये है मेरा छोटा सा 6 इंच का गमला है। पहले मैंने पानी दे लिया है और बहुत सारी कटिंग ले ली हैं। ये देखिए, 5-6 कटिंग ली है मैंने और इसको मैं कटिंग से ग्रो करूँगी। ये देखिए, इसकी आप कोई भी छोटी बड़ी कटिंग ले सकते हैं, कटिंग से ये बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाता है। मैंने देखिए अच्छे से पहले पानी दे लिया इसलिए कटिंग लगाने में बहुत ही आसानी हो जाती है। तो इसकी आपको कोई भी छोटी बड़ी कटिंग मिले तो इसको आप इस समय कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसका कटिंग से प्लांट बहुत ही जल्दी, हफ्ते 10 दिन में तैयार हो जाता है और ये परमानेंट प्लांट है। इस तरीके से आप छोटे छोटे होल बना लीजिए और फिर कटिंग को लगाते जाइए। तो अगर आपके गमले की मिट्टी सूखी है फिर पानी दे लेना है आपने, और कटिंग को लगा के डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है, ऐसी जगह रखना है जहाँ दिन भर अच्छी ब्राइट लाइट तो मिले मगर धूप ज़्यादा ना इन पर पड़े। जब इनकी ग्रोथ शुरू हो जाए, स्टेबल हो जाए, ये इनमें जड़ें आ जाएं, फिर आप इनको धूप में रख सकते हैं। कटिंग लगा के डायरेक्ट धूप में आपने इनको नहीं रखना है। ये देखिए, इस तरीके से मेरा कटिंग लगा के बहुत ही सुंदर सा गमला जो है तैयार हो गया। नेक्स्ट प्लांट है, देखिए, ये मैंने कुछ 15-20 दिन पहले कटिंग लगाई थी, कोई 15 दिन ही हुए इनको कटिंग को लगाए हुए। तो देखिए, ये अच्छे से चलने लग गई हैं और इनमें फूल भी आ रहे हैं। ये देखिए, हमने बहुत सारी कटिंग्स में लगाई थी। ये 6 इंच का गमला है तो ये पर्पल हट का प्लांट है, तो कुछ जो पत्ते साइड से सूख रहे हैं इनको मैं तोड़ के अलग कर दूंगी और जहाँ जहाँ जगह खाली है जहाँ मैं 1-2 कटिंग और लगा दूंगी। साथ में आपको भी आइडिया हो जाए कैसे इसकी कटिंग लगानी है। देखिए, नीचे के पत्ते रिमूव कर लेने हैं आपने और इस तरीके की कोई भी छोटी बड़ी कटिंग ले लेनी है और इस तरीके से होल बना के। इस गमले की मिट्टी जो है ज़्यादा रेतीली मिट्टी है और मैंने सुबह ही इनको पानी दिया है इसलिए देखिए आसानी से होल हो गया और आसानी से कटिंग लग गई। और कटिंग को लगा के आपने बार बार निकाल निकाल के नहीं देखना है। अगर आप लगा के उसको जब ज़रूरत हो तो पानी देंगे, बार बार निकालेंगे नहीं तो कटिंग जो है जल्दी लगती है। तो ये भी महीने में, 20 दिन में, 25 दिन में इसकी कटिंग से प्लांट जो है तैयार हो जाता है। इसकी रूट्स बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। नेक्स्ट प्लांट है, देखिए, ये छोटी हाइट वाला जो रियो होता है, रोयो,
जिसके पत्ते पर्पल और ग्रीन होते हैं, ये इसके छोटे से गमले में मैंने कटिंग लगाई थी कोई 2 महीने पहले। अच्छे से चल रहा है। और देखिए, 2 कटिंग मैं और लगा के आपको दिखाऊंगी 6 इंच के गमले में। ऑलरेडी ही मैंने इसमें 3 कटिंग लगाई हुई हैं। और अभी आपको देखिए, इस तरीके से आपने इसकी कटिंग लेनी है। रूट्स हो अच्छा है, नहीं हो तो भी इसकी कटिंग लग जाती है। ये देखिए, इस तरीके से आपने होल बनाना है। मिट्टी इनके लिए वेल ड्रेन ही होनी चाहिए, और मैंने इनको पहले ही पानी दे लिया है और इसलिए आपको मिट्टी गीली लग रही होगी। और इस तरीके से आपने होल बना के इसकी कटिंग को लगा देना है। और कटिंग को लगा के धूप में नहीं रखना है और कोई ज़्यादा फर्टिलाइजर नहीं देना है जब तक इनकी अच्छे से ग्रोथ शुरू नहीं हो जाती। तो फिर इनकी कटिंग जो है कभी भी फेल नहीं होती है, जो मैं आपको प्लांट बता रही हूँ। मैं तो जब भी इनकी कटिंग लगाती हूँ लग जाती है, चाहे थोड़ा सा टाइम लगे तो ईजिली ये कटिंग से चल जाते हैं प्लांट। तो मेरे पास इस तरीके से कटिंग लगा लगा के बहुत सारे प्लांट मैंने बनाए हुए हैं। तो छोटे गमलों के लिए, कम स्पेस के लिए और लंबे समय तक इनको छोटे गमलों में लगाने के लिए ये बेस्ट प्लांट होते हैं। नेक्स्ट प्लांट देखिए, चेन प्लांट। ये मैंने कटिंग लगाई थी कोई 10 दिन पहले, और अभी देखिए यहाँ से मैंने कटिंग तोड़ी थी और यहाँ से देखिए तोड़ी थी, उसके ऊपर एक और नया प्लांट बन रहा है। तो चेन प्लांट भी एक बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है जो इजिली कटिंग से लग जाता है। ये देखिए, इस तरीके से इसके साथ रूट्स होती हैं। तो मैं इसको रूट्स के, जहाँ रूट नहीं है वहाँ से तोड़ूंगी, रूट्स इसमें फिर भी आ जाती हैं। और देखिए, यहाँ मैं आपको कटिंग लगा के बताती हूँ, तो ईजिली ये कटिंग से लग जाता है। और ये देखिए, इस तरीके से आपने इसको लगा देना है। कटिंग लगा के धूप में नहीं रखना है, ओवर वाटर नहीं करना है, थोड़ा सा मिट्टी को मॉइस्ट करके रखना है। बहुत ही आसानी से इनके जो प्लांट है बन जाते हैं और कटिंग इनकी फेल नहीं होती है। नेक्स्ट प्लांट है, इस समय आप कोलिस की कटिंग लगाएंगे तो बहुत ही ईजिली आपके जो प्लांट है तैयार हो जाते हैं। मेरा देखिए जो प्लांट है, देख रहे हैं आप, 6 इंच के गमले में लगा हुआ है। कोई 1-1.5 महीना पहले मैंने इसको कटिंग लगाई थी। और देखिए, एक छोटा सा प्लांट है, ये भी कटिंग मेरी लग गई है और इसको मैंने रिपोर्ट कर दिया दोनों को। तो अगर आपको कोलिस की कटिंग कहीं से मिले, कोई छोटी छोटी कटिंग भी मिले, तो बहुत ही ईजिली ये कटिंग से तैयार हो जाता है कोलिस का प्लांट। नेक्स्ट प्लांट देखिए, जीजी प्लांट। जीजी प्लांट एक सिंगल लीव से भी तैयार हो जाता है और इसको आप स्टेम से भी जो है तैयार कर सकते हैं, स्टेम कटिंग से। ये देखिए, मैंने इसकी जहाँ बहुत सारे जो लीव्स है वो लगाए हुए हैं, तो इनमें तो रूट्स भी आ गई हैं। और अभी जैसे थोड़ी सी ठंड का मौसम है तो इसका ग्रोथ का पीरियड नहीं रहता है, इसलिए आपको ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिख रही होगी। अगर आपको इसकी कटिंग लगानी है तो लगा सकते हैं। मैंने तो इसके लिए वेल ड्रेन मिट्टी ही ली है जिसमें इसकी कटिंग लगी हुई है। तो देखिए, इस तरीके से आप इस समय जो स्पाइडर प्लांट है उसको भी ग्रो कर सकते हैं, नए प्लांट जो आपका मेन प्लांट होगा। जहाँ अगर आपके पास प्लांट नहीं है, किसी के पास लगा है, वहाँ से लेके आप ग्रो कर सकते हैं। मैंने देखिए जहाँ जगह जगह लगाए हुए हैं, जब इनकी ग्रोथ जो है अच्छी हो जाएगी, थोड़े ये बड़े हो जाएंगे, फिर इनको यहाँ से निकाल के मैं दूसरे गमले में लगा दूंगी। तो अगला प्लांट है जिसकी कटिंग कभी भी फेल नहीं होती है और इजिली कटिंग से तैयार हो जाता है, ये है रिबन ग्रास। ये देखिए, ये मैंने इस साल कोई 1 महीना पहले शायद लगाया है ये। तो देखिए, ये अच्छे से चलने लग गया है। अगले साल तक इस तरीके से ये पूरा प्लांट भर जाएगा। ये मैंने पिछले साल तैयार किया था, एक प्लांट लगाया था, तो अभी देखिए इसमें कितने ही प्लांट हैं। इसकी जड़ों से ही जब एक प्लांट ये स्टेबल हो जाता है तो जड़ों से ही नए नए प्लांट निकलते हैं और मल्टीप्लाई होते रहते हैं। नेक्स्ट प्लांट है देखिए, डेवल्स बैकबोन की वेरिएटेड टाइप। और ये देखिए, इसकी कटिंग लगाने के लिए आपको इस तरीके की कोई भी स्टेम आपने ले लेनी है और उसको कटिंग से ग्रो करना है। नीचे के पत्ते रिमूव करके, हो सके तो आप इसमें 1-2 दिन पहले कटिंग को काट के रख लीजिए। और रूटिंग हार्मोन हो तो रूटिंग हार्मोन लगा लीजिए, क्योंकि इसकी कटिंग जो है रूटिंग हार्मोन लगाएंगे तो फिर फेल नहीं होती। वैसे भी इसकी कटिंग फेल नहीं होती है, ओवर वाटर अगर नहीं करेंगे आप तो। ये देखिए, मैंने रूटिंग हार्मोन लगा लिया और इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग लगा ली। तो कटिंग से बहुत ईजिली ये प्लांट तैयार हो जाता है। मैंने कोई 1-2 महीने पहले एक प्लांट तैयार किया है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया। नेक्स्ट प्लांट है जो छोटे छोटे गमलों में बहुत ही आसानी से चलता है और देखने में बहुत ही खूबसूरत हमारे गार्डन में ग्रीनरी ऐड करता है और छोटी छोटी कटिंग से लग जाता है। तो ये है बेबी टेयर्स। तो बेबी टेयर्स हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए बहुत ही अच्छा प्लांट है और इस तरीके की छोटी छोटी कटिंग लगा के आप इसके प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने ऑलरेडी ही 1 इंच का गमला तैयार करा हुआ है कटिंग लगा के। तो देखिए, कोई भी छोटी बड़ी कटिंग लीजिए, इस तरीके से आप लगा दीजिए। सिर्फ आपने कटिंग को लगा के बार बार निकाल के नहीं देखना है, ओवर वाटर नहीं करना है, हल्का सा मिट्टी को मॉइस्ट रखना है और कटिंग को धूप में नहीं रखना, फिर इनकी कटिंग कभी भी फेल नहीं होती है। नेक्स्ट प्लांट है अजवाइन का। मेरे पास अजवाइन का प्लांट नहीं था, मैं किसी से लाई थी अपने मोहल्ले में ही, किसी से मांग के एक कटिंग। तो देखिए, मैंने इसकी छोटी छोटी कटिंग भी लगाई हुई है इसी की ब्रांच से ही लेके। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसके लिए वेल ड्रेन मिट्टी ली थी और इस तरीके से इसकी कटिंग को लगा दिया था। और कटिंग को लगा के मैंने जो है
इसको अच्छे से पानी देके सेम शेड एरिया में रखा। अभी मैंने इसको धूप में नहीं रखा है। तो इस तरीके से ये मेरा अजवाइन का प्लांट है कटिंग से तैयार हो रहा है। नर्सरी लेने जाएंगे तो यही प्लांट हमें जो है मिलता है, कम से कम 50 रुपये का तो मिलेगा ही। नेक्स्ट प्लांट है देखिए, सर्दियों का बहुत ही खूबसूरत सा परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट, क्राइसेंथिमम जो गुलेदौदी। तो गुलेदौदी को भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए मेरे जो आप छोटे छोटे प्लांट देख रहे हैं, ये मैंने पिछले मंथ ही जुलाई अगस्त में इनकी कटिंग लगा के इनको तैयार करा है, और अभी मैंने इनको रिपोर्ट भी कर दिया है। अभी इनका फ्लावरिंग सीजन आने वाला है और इनकी मैं पिंचिंग कर रही हूँ कि इनमें एक से ज़्यादा ब्रांचेज आ जाएं। तो अगर अभी तक आपने नहीं लगाई है इनकी कटिंग, तो इस समय आप इनको नर्सरी से ले सकते हैं, नर्सरी में भी ये मिल जाते हैं। नेक्स्ट प्लांट है देखिए मैरीगोल्ड। तो मैरीगोल्ड का भी जो प्लांट है इजिली कटिंग से तैयार हो जाता है। और देखिए इस तरीके की आपने कोई बहुत बड़ी कटिंग नहीं लेनी है, छोटी छोटी टिप की कटिंग से बहुत ईजिली तैयार हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे प्लांट जो है तैयार करे हैं। तो देखिए इस तरीके से आपने इस तरीके से होल करना है। मैंने इसकी कटिंग जो है क्यारी में लगा रही हूँ। क्यारी को मैंने शाम को ही पानी दिया था, इसलिए मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है, पानी नहीं दूंगी अभी मैं इनको लगा के। तो हफ्ते 10 दिन में इनमें जो है रूट्स आ जाती हैं। तो फिर आप यहाँ से निकाल के इनको गमले में लगा के बहुत ईजिली नया प्लांट आपका बन जाता है। नर्सरी लेने जाएंगे तो यही आपको 10-15 रुपये का जो प्लांट है मिलता है। तो लास्ट में देखिए अगेब का प्लांट है। तो अगेब का भी जो प्लांट होता है मेन प्लांट, उसकी जड़ों से नए नए प्लांट निकलते हैं। तो वहाँ से लेके आप किसी भी छोटे गमले में इनको लगा सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये चलते हैं, बहुत ही लो मेंटेनेंस, बिना केयर के ये चलने वाले प्लांट होते हैं, जीरो मेंटेनेंस, और उतने ही खूबसूरत होते हैं। धूप में, छांव में, हर जगह ये आसानी से चल जाते हैं। ये देखिए ये मेरा एक ग्रीन वाला अगेब का प्लांट है। इसकी जड़ों से देखिए कितने ही नए प्लांट निकल रहे हैं। तो इनको डिवाइड करके आप छोटे छोटे गमलों में लगा के बहुत सारे प्लांट जो फ्री में तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।